मैं आपकी मांग भर देता हूँ। मांग भरने के लिए तो पूरा मोहल्ला पड़ा है, बिल कौन भरेगा? दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे ड्रीम गर्ल 2 के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने बॉक्स ऑफिस में अच्छी शुरुआत की है, जबकि सामने गदर 2 और ओ माई गॉड 2 जैसी फिल्में हैं जो कि अच्छी कमाई भी कर रही है। ड्रीम गर्ल बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही थी, यही वजह है कि लोगों को ड्रीम गर्ल 2 का भी इंतजार था। पोस्ट पैंडेमिक के बाद सीक्वल फिल्में बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल रही है। हाल ही में दो सीक्वल फिल्में गदर 2 और ओ माई गॉड 2 ने बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा है, यानी ड्रीम गर्ल 2 भी बॉक्स ऑफिस में सक्सेस जरूर होगी अगर ये फिल्म मंडे टेस्ट पास कर लेती है तो। दोस्तों अगर बात करें स्क्रीन काउंट की तो इस फिल्म को इंडिया में लगभग 1500 स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया, तो ओवरसीज में लगभग 700 स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया, यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 2200 स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया। अगर बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 10,68,00,000 का नेट कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन यानी शनिवार के दिन में थोड़ा सा ग्रोथ करते हुए लगभग 14 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और इसी के साथ इस फिल्म के दो दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 24,68,00,000 हो चुका है। टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 29,70,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 6,10,00,000 का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के दो दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 35,80,00,000 हो चुके हैं। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन की तो तीसरे दिन भी इस फिल्म के कलेक्शन में थोड़ा सा ग्रोथ दिख रहा है। ये फिल्म अपने तीसरे दिन में इंडिया में लगभग 16-18 करोड़ की रेंज में नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 42 करोड़ है और आज ये फिल्म अपना बजट भी रिकवर करने जा रही है। मंडे से ये फिल्म प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगी, यानी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट तो जरूर होगी, बस मंडे टेस्ट पास कर जाए। इस फिल्म को मंडे टेस्ट पास करने के लिए लगभग 6 करोड़ का नेट कलेक्शन करना होगा और तीन दिनों के कलेक्शन देखकर लग रहा है कि ये फिल्म 6 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन भी कर सकती है। तो दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।